ईटीवी भारत बिहार में आपका स्वागत है। हमारे साथ बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल एक लंबी बैठक बिहार महागठबंधन की हुई, लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि सीटों के ऐलान कब तक होगा, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, किस सीट से लड़ेगा, इस पर कब तक ऐलान होगा सर बिहार महागठबंधन? देखिए, कल हम बहुत लंबी देर तक, रात के 8:30 बजे तक पूरा दिन मानो बैठे रहे और बड़े प्यार से 400 सीटों पे सबने अपनी अपनी राय रखी कि हम क्या करें कि ताकि महागठबंधन की सीट जीते। और मीटिंग खत्म होने के बाद सभी नेताओं ने साथ मिलकर आपके मीडिया के सामने मुखाबित हुए और भाई तेजस्वी जी ने ये भी कहा कि दलों का नहीं दिलों का मिलन है, तो हम साथ मिलकर सब लड़ेंगे और अच्छे नतीजे वहां आएंगे। कुछ स्ट्रेटेजी होती है राजनीति में भी कि सही वक्त पे ही सही बात बताई जाती है। अब पहले से सारी बातें हम बता देंगे ऐसा नहीं होता है, तो जब जब ठीक वक्त पे 17 तारीख का कहा है, 17 तारीख को कुछ और बातें करेंगे। 17 को पटना में ऐलान हो जाएगा महागठबंधन का सब कुछ? वैसे भी ऐलान तो है ही, हम साथ लड़ेंगे, बिल्कुल मिलके लड़ेंगे। अभी आप पूछिए ना बीजेपी जेडीयू और पासवान जी को, 17-17 से बांट लिया, कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा आप पूछो तो सही उसको। क्या अभी तक सीटों पे चयन का फैसला नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा है, और हमारे वहाँ हमने सब तय कर लिया है, सिर्फ बताना कब है उसका वक्त का इंतजार है। तो 17 तारीख तो कही जाएंगे, 17 का नाम 17 को हम करेंगे, जो जरूरी होगा उतना उस दिन बताएंगे। फिर सारे फेजेज में बिहार में चुनाव है, तो हमको लगेगा कि स्ट्रेटेजी के तहत महागठबंधन के सभी साथियों को कि फेज वाइज कुछ चीजें बतानी है, उस वक्त बताएंगे। आखिरी सवाल सर, लेफ्ट पार्टी को क्या कोई सीट मिलेगी बिहार में कन्हैया कुमार को? देखिए, एक महागठबंधन का भी धर्म होता है, मैं चाहता हूँ सेक्युलर पार्टी सब साथ रहे, पर मैं अकेला कोई डिसाइड कर दूं और बता दूं ठीक नहीं रहेगा, तो कोई ऐसा संभावना होगी तो जरूर महागठबंधन के सभी नेता बैठ के इसकी चर्चा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए शक्ति सिंह गोहिल, शशांक कुमार, ईटीवी भारत बिहार, नई दिल्ली।